हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ टेस्ट ऑफ ऑनलाइन क्लास। आप लोगों का जो परफॉर्मेंस था टेस्ट में बहुत ही अच्छा था, पर उसमें कुछ आपने सी मिस्टेक किए, तो मैं आपको यहाँ पर जो फोर्थ टेस्ट हुआ है मैथ का चैप्टर नंबर फोर का, उसका मैं आपका सॉल्यूशन करूँगी और आपकी जो भी मिस्टेक की है उसको आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, चैप्टर नंबर फोर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेप। हमसे क्या पूछा उन्होंने कि आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इसके लिए सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझेंगे। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एंड A, B, C are real number. A, B, C are real number. And A, B both are not zero. इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या होता है? जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? वन। यहाँ पर देखो एक्स की पावर कितनी है? वन। यहाँ वाई की पावर कितनी है? वन। तो ये जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए? वन। तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या हो गई? हाईएस्ट पावर क्या हो गई आपकी? वन। तो ये आपकी क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन। और इसको सेकंड हम लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक क्या आता है आपका? स्ट्रेट लाइन। आपकी एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए भी हम उसको कौन इक्वेशन बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन फर्स्ट, ये तो आपको पता चल गया कि हम इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही? वन। एक सौ बाईस में दो वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी? वन। अब उसमें क्या लिखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें वेरिएबल कितने? x वन वेरिएबल एंड y टू वेरिएबल, इसलिए ये क्या हो गया आपका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। a b एंड c ये कैसे होने चाहिए आपके? रियल नंबर होने चाहिए, कोई से भी रियल नंबर होंगे। बट a एंड b बोथ आर नॉट जीरो, मतलब a और b दो एक साथ जीरो नहीं हो सकते। यदि हमने a को जीरो कर दिया, a के प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पर? जीरो। अगर मैंने ए के प्लेस पे जीरो पुट कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये पूरी टर्म जीरो हो गई, मतलब बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि वाई की जो पावर है वो कितनी है? वन। बट ये लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल नहीं होगी क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो कितना है? इसमें वन ही है। तो ये लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल बन जाएगा। तो इसके आपके क्या कंडीशन है? आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? उसकी वन होनी चाहिए। तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी आपकी? वन। एंड सेकंड इसको हम लीनियर टू बोल रहे हैं क्योंकि इसका जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसके साथ है स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका मैं सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने के लिए हमको टू वेरिएबल की नीड है, तो हम नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन इन दोनों को लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, कॉस्ट
cost of notebook be rupee x and the cost of a pen be y. Okay. अब उसमें सेकंड उसमें कंडीशन क्या दी है कि the cost of notebook is twice the cost of pen. तो according to the question, cost of notebook is equal to twice मतलब क्या होता है डबल दुगना 2 into cost of pen. अब हमने cost of notebook को क्या मान रखा है, क्या लेट कर रखा है, x लेट कर या तो इसके प्लेस पे क्या नोट करेंगे, x equal to 2 into cost of pen क्या मान रखा है, y x equal to 2. अभी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं बनी है, 2 y जब इधर आएगा इस साइड आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x minus 2y. जब इक्वल टू में इधर आया तो इसकी इक्वल टू क्या हो गई, 0. अब आप देखें इसमें कितने x minus 2y is equal to 0. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जो वेरिएबल की सबसे फर्स्ट मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, पावर कितनी होनी चाहिए 1, x की पावर 1 है, y की पावर भी क्या आपकी 1 है, तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है, x वेरिएबल है और y वेरिएबल है. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x minus 2y is equal to 0. थैंक यू.